हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिवाली पास आ रही है एंड इसका एक ही मतलब है, स्मार्टफोन डील्स लाइव होने वाले हैं। नॉट जस्ट बेसिक स्मार्टफोन डील्स, क्रेजी गुड डील्स ऑन अ लॉट ऑफ स्मार्टफोन्स। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे इतने सारे स्मार्टफोन डील्स है दैट यू विल ऑल्सो गेट कन्फ्यूज कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट है। अगर आपने एक नया स्मार्टफोन लेना चाहते हो खुद के लिए या फिर फैमिली में किसी के लिए, देन आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी ब्रांड। ये सारे जो सजेशन मैं यहाँ पे देने वाला हूँ वो मेरे खुद के पर्सनल यूज के बाद है, या फिर हमें जो यहाँ पे अच्छे लगे वो मैं रिकमेंडेशन देने वाला हूँ। एंड देर आर गोइंग टू बी डेफिनेटली सम डील्स जो मैं मिस आउट कर दूंगा यहाँ पे, बिकॉज कितने फोन्स रिकमेंड करो यार, ऑलमोस्ट 40 से 50 स्मार्टफोन्स ऐसे जो बहुत अच्छे हैं, बट उसमें से हमने काट छाट के कुछ यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 10,000 के अंदर का अगर आपका बजट है तो यहाँ पे प्राइमरीली चार स्मार्टफोन आ जाते हैं। पहला स्मार्टफोन वुड बी मोटो G45। यहाँ पे 10,000 के अंदर आप अगर फोन ले रहे हो तो भी ये सेल के वजह से आपको 5G स्मार्टफोन ही मिलेगा, एंड 4G स्मार्टफोन लेना मैं वैसे भी रिकमेंड नहीं करता। सेकंड स्मार्टफोन वुड बी Redmi 13C 5G जो 8999 के प्राइस पॉइंट पे बहुत बढ़िया डील आपको निकाल के देता है। अच्छा प्रोसेसर है, अच्छा परफॉर्मेंस भी यहाँ पे आ जाता है, एंड 5G भी बहुत अच्छा चलता है। थर्ड स्मार्टफोन इज वन ऑफ माय फेवरेट स्मार्टफोन जो मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूँ, इज द पोको M6 Pro 5G। इसका एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपको 6GB रैम वेरिएंट भी मिल सकता है अंडर 10,000 रुपीज। बाकी दो फोन्स में क्या हो सकता है कि आपको 4GB रैम पे थोड़ा सा सेटल करना पड़े, बट आई थिंक अगर 10,000 तक का बजट है आपका, मतलब 9999 तक आ सकते हो, तो 6GB रैम शुड बी द मिनिमम। अनदर स्मार्टफोन दैट आई वांट टू रिकमेंड इज द IQOO Z9 Lite। नाउ ये स्मार्टफोन का एक ही थोड़ा सा डाउनसाइड ये है दैट 6GB रैम वेरिएंट 10,000 के थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, सो आपको वो एक बार फिगर आउट करना पड़ेगा। मेरा रिकमेंडेशन तो हमेशा यही रहेगा कि 10,000 के अंदर भी अगर 6GB रैम मिनिमम मिल रही है तो वो ले लो, दैट वुड बी द बेस्ट डील। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ब्रैकेट दैट इज अंडर 15,000 रुपीज। सबसे पहली रिकमेंडेशन वुड बी IQOO Z9X। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है एंड यहाँ पे आपको गेमिंग भी अच्छी देखने के लिए मिलती है। IQOO के फोन्स जैसे आपको बताया अच्छी गेमिंग करके देते हैं, सॉफ्टवेयर भी अच्छा है, वेरी वेल ऑप्टिमाइज्ड है, सो IQOO Z9X इज गोइंग टू बी द रिकमेंडेशन। पोको की तरफ से पोको X6 भी आता है विच ऑल्सो परफॉर्म्स वेरी गुड। पोको एंड IQOO बोथ दिस ब्रांड्स आर स्पेसिफिकली नोन फॉर वेरी गुड परफॉर्मेंस एंड बोथ दिस फोन्स विल नॉट डिसअपॉइंट यू, एंड अंडर 15,000 मिल रहा है सो दैट्स ऑलवेज अ वेरी गुड डील। सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M35 5G फोन आता है। नो M35 इज नॉट द बेस्ट फोन अंडर 15,000 रुपीज अगर आप बाकी फोन से कंपेरिजन करोगे, जैसे पोको X सीरीज या फिर IQOO Z9X के साथ कंपैरिजन करोगे, बट अगर आपको एक सैमसंग का फोन लेना है विच इज अ लॉट ऑफ पीपल बाय द वे, सो गैलेक्सी M35 आई थिंक इज अ गुड डील दैट यू कैन कंसीडर। और एक स्मार्टफोन है अंडर 15,000 रुपीज जो मुझे लगता है कैमरा के लिए यहां पे बेस्ट आपको मिलेगा, वो है रियलमी का नार्जो 70 प्रो। अगर आपका कैमरा टॉप प्रायोरिटी में है देन नो क्वेश्चन, नार्जो 70 प्रो इज द बेस्ट वन। बेस्ट कैमरा सेंसर आपको यहां पे देखने के लिए मिलता है, बट आपको लगता है कि आपको परफॉर्मेंस टॉप प्रायोरिटी है, देन आई थिंक Realme का ही Narzo 70 टर्बो आता है जिसमें आपको 90fps गेमिंग का भी ऑप्शन मिलता है। 90fps की गेमिंग में भी आप ना कर पाओ लेकिन 60fps प्लस तो गेमिंग कर पाओगे, एंड अक्रॉस एनी ऑफ द स्मार्टफोन जो मैंने 15,000 के अंदर बोले दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर गेमिंग स्पेशली। अभी बात करते हैं अंडर 20,000 वाले डील्स की, मतलब 15,000 से 20,000 के बीच में इतने सारे स्मार्टफोन से ये प्राइस ब्रैकेट में भाई साहब चूज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट हमने कुछ सिलेक्टेड चूज किया। सबसे पहला इज गोइंग टू बी मोटो H50 फ्यूजन। यहाँ पे आपको एक एक्चुअल में फ्यूजन मिल जाता है, परफॉर्मेंस कैमरा, आपको गुड इन हैंड फील भी मिल जाता है, सो मोटो H50 फ्यूजन इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट रिकमेंडेशन। सेकंड इज गोइंग टू बी IQOO Z9S व्हिच वाज लॉन्च्ड वेरी रिसेंटली, बहुत अच्छे लुक्स के साथ आता है, एंड IQOO जैसे मैंने पहले बोला था परफॉर्मेंस के लिए नोन है राइट, बट यहाँ पे IQOO Z9S के साथ IQOO ने क्या किया है कैमरा पे भी थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस किया है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको अच्छा कैमरा एक्सपीरियंस भी देखने के लिए मिलता है। यूजुअली ये फोन 20,000 से ऊपर मिलना चाहिए बट ये सेल के वजह से अंडर 20,000 रुपीज आपको मिल जाएगा, एंड आई थिंक Z9S इज वन ऑफ दोस फोन जो ऑलराउंडर बहुत बढ़िया निकल के आता है। पोको X6 Pro 5G है जो आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देता है, बट एक ही चीज है दैट यहाँ पे थोड़ा सा बैटरी ड्रेन का आपको इशू देखने के लिए मिलता है। इट्स नॉट अ ह्यूज at such, but अगर गेमिंग करनी है आपको and गेमिंग is your top priority, I think then Poco X6 Pro definitely one of the top performing phones. There is another smartphone which was launched very recently, not one actually, दो स्मार्टफोन है under 20,000 rupees, Realme P2 Pro Snapdragon 7S Gen 2 के साथ आता है, अच्छा performance है, overall अच्छा camera है। We have not tested this phone yet, by the way, I'll be very honest here, but मुझे ये फोन बहुत अच्छा लगा बाकी के जो मैंने देखे थे वीडियोज उनके वजह से, मतलब लोगों से जब मैंने बात की। And the second phone would be Samsung का Galaxy M55s. Now ये phone क्यों recommend करना पड़ता है? Because of course, again, जो लोग होते हैं Samsung का phone लेना decide किया है वो Samsung छोड़ के और कोई phone लेंगे ही नहीं, तो उनके लिए मुझे एक phone तो recommend करना पड़ता ही है। अभी move on करते हैं to 25,000 rupees का budget। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे tricky है क्योंकि
कुछ स्मार्टफोन है अंडर 25,000 रुपीज जो बढ़िया है, बट अगर आपका 25,000 का बजट है देन कुछ स्मार्टफोन से जो 25 से थोड़ा आगे में भी बात करूंगा उसमें से भी आप चूज कर सकते हो। चलो पहले तो पहला स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं विच इज लाइक अ क्रेजी डील भाई साहब। इससे बढ़िया डील मतलब पोको F6 है, स्नैपड्रैगन 8S जेन 3 लिटरल फ्लैगशिप प्रोसेसर, क्रेजी गुड डिस्प्ले क्वालिटी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस भी आपको देखने के लिए मिलता है। कैमरा इज नॉट बैड एज वेल, कैमरा मे नॉट बी इट्स स्ट्रॉन्ग सूट बट डेफिनेटली वेरी गुड कैमरा परफॉर्मेंस एंड अंडर 25,000 रुपीज पोको F6 मिलना भाई साहब, आई थिंक ये अकेला फोन बोल दूं अंडर 25,000 रुपीज तो भी मोर देन इनफ है, बिकॉज बाकी फोन्स को पोको F6 को बीट करना इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। बट और एक चीज बोल देता हूं, OnePlus Nord CE4 आ जाता है विच इज लाइक एन ऑलराउंडर फोन जो अच्छे डील में आ जाता है, सारी चीजें अच्छी मिल जाती है, कैमरा अच्छा है, प्रोसेसर अच्छा है, डिस्प्ले अच्छा है, आपको यहाँ पे टाइप सी पोर्ट है, IR ब्लास्टर है, ये सारी चीजें, सो ओवरऑल इट्स अ डिसेंट फोन। पोको F6 को बीट कर सकता है क्या OnePlus Nord CE4? डेफिनेटली नॉट, बट जो लोग OnePlus Nord CE4 लेने का सोच रहे वो आई डोंट थिंक सो पोको F6 लेने के बारे में सोच रहे, बट आई थिंक यू शुड कंसिडर एक बार पोको F6 के वीडियोज देख लो, रिव्यूज देख लो, आपको पता चल जाएगा कितना क्रेजी गुड फोन है। बट OnePlus Nord CE4 अंडर 25,000 रुपीज अच्छे डील में आपको कार्ड डिस्काउंट के साथ वगैरह मिलेगा, एंड एक डील भी है OnePlus Nord Buds आपको 2R वाले फ्री मिल रहे हैं उसके साथ, वो भी एक बार चेकआउट कर लेना, दैट इज अ वेरी गुड डील एज वेल। नेक्स्ट फोन इज गोइंग टू बी द iQOO Z9S Pro, जो मैंने Z9S बोला था उसका ही प्रो वर्जन मिलेगा, जहां पे वंस अगेन iQOO ने कैमरा के ऊपर भी फोकस किया। सो दीज आर नॉट परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन पर से, बट ओवरऑल ऑलराउंडर स्मार्टफोन्स निकल के आते हैं। अनदर फोन वुड बी Redmi Note 13 Pro Plus, अगर आपको IP68 रेटिंग चाहिए, कर्व डिस्प्ले चाहिए, देन Redmi Note 13 Pro Plus आपको वो सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करके देगा। अभी आते हैं अंडर 30,000 रुपीज वाले सेगमेंट में, एंड यहाँ पे भाई साहब अगर ये 25,000 वाले फोन में पोको F6 जो है ना वो अंडर 30,000 वाले फोन को भी इजिली टक्कर दे सकता है। फर्स्ट टू फोन आर गोइंग टू बी माई फेवरेट वन, बिकॉज अंडर 30,000 में मैंने बाकी सारे फोन्स निकाल दिया, यहाँ पे OnePlus 11R आपको अंडर 30,000 मिल रहा है, बट ये दो फोन जो मैं अभी रिकमेंड करने वाला हूँ वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ओवर OnePlus 11R एज वेल, एंड दीज आर द टू स्मार्टफोन Realme GT60 एंड द OnePlus Nord 4। Realme GT60 में आपको Snapdragon 7 Plus Gen 3 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, वेरी गुड कैमरा सेटअप एज वेल, सुपर फास्ट चार्जिंग भी है, डे टू डे लाइफ यूजेज में भी बहुत बढ़िया है, एंड OnePlus में जो आपको ऑक्सीजन और इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलता है, वही सेम एक्सपीरियंस आपको Realme UI में भी दिखने के लिए मिलता है। एंड सेकंड फोन जैसे मैंने बोला था OnePlus Nord 4 एग्जैक्ट सेम प्रोसेसर, बट यहाँ पे आपको मेटल बॉडी देखने के लिए मिलती है, कैमरा भी अच्छा है, ओवरऑल परफॉर्मेंस भी जब हमने गेमिंग टेस्ट की थी तो भी हमें अच्छा देखने के लिए मिला था। तो अंडर 30,000 रुपीज आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिकमेंड दीज टू फोन्स ओनली, बट पोको F6 जैसे मैंने बोला था स्टिल ये दोनों फोन्स को आराम से इजिली टक्कर दे सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं ये तीनों फोन एक साथ आ जाते हैं, इट्स जस्ट दैट पोको F6 पे क्रेजी डील होने की वजह से वो अंडर 25,000 चला जाता है। चलो नेक्स्ट फोन की तरफ जाते हैं, 30,000 से 40,000 के बीच में सबसे पहला रिकमेंडेशन iQOO Neo 9 Pro, एंड ये प्राइस ब्रैकेट ऐसा है जहां पे पोको F6 को नॉट जस्ट टक्कर दे सकते बट iQOO Neo 9 Pro मेरे हिसाब से इन सम केसेस आगे भी निकल जाता है। अगर हम लोग गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो iQOO Neo 9 Pro आपको चिपक के 90 FPS गेमिंग करवा के देगा, BGMI जैसे गेम में CODM या फिर Genshin Impact वगैरह गेम खेलना, तो iQOO Neo 9 Pro इज द बेस्ट डील इन माय ओपिनियन। अगर आपका बजट 30,000 के आसपास है, 31,000-32,000 Neo 9 Pro के साथ चले जाओ गेमिंग अगर टॉप प्रायोरिटी आपकी है तो। सेकंड फोन वुड बी OnePlus 12R, इसका 256GB वेरिएंट भी 36,000 के आसपास मिलने वाला है, विच इज लाइक आई एम लाइक कैसे भाई इतना कैसे डील, 43,000 से लेकर सीधा 36,000, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड डील एज वेल। एंड आईफोन यूजर्स के लिए जिनको आईफोन लेना है, बाकी ये एंड्रॉइड फोन्स नहीं लेने, मुझे आईफोन 16 लेटेस्ट लेने का मेरा बजट नहीं है, बट मेरा बजट 40,000 के अंदर है, देन आईफोन 13 इज आई थिंक अ गुड चॉइस, बिकॉज अगर आपका ऑलरेडी बजट 30,000 था, आप स्ट्रेच करके 38,000-40,000 तक आ रहे हो, एंड देन मैं आपको बोलूँ नहीं आईफोन 14 लो 15 लो, ज़्यादा और बजट बढ़ा के वैसे मत करो, आईफोन 13 आप ले सकते हो, बट बाकी के एंड्रॉइड फोन्स की तरफ भी डेफिनेटली एक बार देख लेना। आई थिंक एंड्रॉइड फोन्स तो GT60, पोको F6, Neo 9 Pro जैसे बेटर डील्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। सैमसंग गैलेक्सी S23 को भी मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा अंडर 40,000 रुपीज, बट वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, S23 के साथ आपको बहुत अच्छा बैटरी बैकअप देखने के लिए नहीं मिलेगा, कैमरा अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, थोड़ा सा फोन गर्म होगा और बैटरी बैकअप थोड़ा सा ओकेइश देखने के लिए मिलेगा। अभी आते हैं अंडर 50,000 रुपीज सेगमेंट में, यहाँ पे दो क्रेजी डील्स है। iQOO 12 आपको मिलेगा अंडर 50,000 रुपीज, Snapdragon 8 Gen 3, सारे फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशंस बोल सकते हो आप, अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस,
iQOO Neo 9 Pro के ऊपर अगर कोई फोन हो सकता है तो दैट इज गोइंग टू बी द ओनली फोन iQOO 12 जिसमें आपको iQOO Neo 9 Pro से बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा, वेरी गुड कैमरा सेटअप एज वेल। वी वर सरप्राइज्ड जब हमने इसे टेस्ट किया था तो। एंड सेकंड फोन इज गोइंग टू बी Xiaomi 14। अगर आपको कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए, लाइका के को इंजीनियर वाला फोन चाहिए कोई, देन Xiaomi 14 छोड़ के आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है अंडर 50,000 रुपीज। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन्स, कैमरा ओरिएंटेड स्मार्टफोन्स अंडर 50,000 रुपीज। अभी आप बोल सकते हो S23 है, बट S23 में बाकी की चीज़ है, जैसे मैंने बोला बैटरी लाइफ अच्छी नहीं है और थोड़ा सा गर्म होगा, वो सारी चीज़ें आपको Xiaomi 14 में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। मतलब गर्म नहीं होगा, इतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा, एंड बैटरी बैकअप तो डेफिनेटली मच बेटर देखने के लिए मिलेगा आपको। एंड अभी जाते हैं अबव 50,000 रुपीज़, यहाँ पे मतलब कोई भी 50, 60, 70, 80, 90 जो भी होगा बजट। सबसे पहला स्मार्टफोन इज गोइंग टू बी द OnePlus 12। नाउ OnePlus 12 क्रेजी गुड परफॉर्मेंस, वेरी गुड बैटरी लाइफ, वेरी गुड नहीं, वन ऑफ द बेस्ट बैटरी लाइफ अक्रॉस एनी फ्लैगशिप दैट हैव एवर यूज, वेरी गुड डिस्प्ले क्वालिटी एज वेल, सुपर फास्ट चार्जिंग, सारी एक फ्लैगशिप में जो आपको चीज़ें चाहिए होती है वो आपको OnePlus 12 में देखने के लिए मिलती है। एंड मैंने पर्सनली OnePlus 12 को यूज़ किया है एज माई डेली ड्राइवर एंड आई वॉज वेरी हैप्पी वाइल आई वॉज यूजिंग इट। सेकेंड फोन इज गोइंग टू बी द S23 अल्ट्रा, एंड भाई साहब 69,999 के प्राइस पॉइंट पे अगर आप सोच रहे हो S23 अल्ट्रा लेने के बारे में, आई थिंक यू आर मेकिंग अ गुड चॉइस। ग्रेट कैमरा सेटअप, बहुत अच्छा डिस्प्ले क्वालिटी, S23 अल्ट्रा है तो S पेन आपको मिलेगा ही, बाकी चीज़ें तो सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स में जो होती है वो सारी आपको S23 अल्ट्रा में मिलेगी। एंड ये कोई पुराना फ्लैगशिप फोन नहीं है, इट वॉज जस्ट लास्ट ईयर दैट इट वॉज लॉन्च, सो आई थिंक अ वेरी गुड डील एज वेल। डेढ़ साल हुआ एक्चुअली, एक साल नहीं डेढ़ साल हुआ बोल सकते हैं, वेरी गुड स्मार्टफोन टू बाय। एक ही इसमें नेगेटिव पॉइंट आप बोल सकते हो दैट इसमें आपको स्लो चार्जिंग मिलती है थोड़ी, सुपर फास्ट चार्जिंग वो तो S24 अल्ट्रा में भी नहीं मिलती वैसे, सो बस वही है OnePlus 12 से अगर आपको कंपैरिजन करनी है तो OnePlus 12 में सुपर फास्ट चार्जिंग है, इसमें इतनी फास्ट चार्जिंग नहीं है। बट आई थिंक जो सैमसंग S23 अल्ट्रा सोच रहे हैं वो OnePlus 12 के बारे में नहीं सोच रहे, बट अगर आप सोच रहे हो जस्ट इन केस, नहीं भाई ये तो आंसर देना इन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, उसका खुद का एक अलग वीडियो हो सकता है। अगर आपको iPhone 15 मिल रहा है अंडर 65,000 रुपीज, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी गुड डील। पिक्सल 9 प्रो XL मिल रहा है अंडर 1 लाख, जो मैंने रिव्यूज देखे उसके बाद तो आई कैन से इट्स अ डिसेंट डील, बट आई एम नॉट गोइंग टू बी लाइक हाँ जाके अब भी ले लो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। S24 अल्ट्रा अगर आपको 1 लाख के अंदर मिल रहा है, क्या बोला मैंने 1 लाख के अंदर, तो S24 अल्ट्रा भी आप ले सकते हो। OnePlus Open मैंने देखा कि बहुत क्रेजी डील आने वाली है OnePlus Open के ऊपर, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फोल्डेबल स्मार्टफोन। एंड और कुछ स्मार्टफोन बचे हैं क्या, तो और बहुत सारे स्मार्टफोन बचे हैं यहाँ पे। iPhone 14 यहाँ पे मे कम अंडर 50,000 ऐसा लिखा है, बिकॉज अभी तक हमें एग्जैक्ट परफेक्ट डील पता नहीं है, बट अगर 50,000 के अंदर आपको मिल जाए iPhone 14 देन दैट इज अ गुड डील। अगर आप सोच रहे हो कि 50,000 का मेरा बजट है, iPhone लेना है मुझे, iPhone 13 लू या 14 लू, अगर आपका बजट 50,000 है देन डेफिनेटली iPhone 14 इज एनी डे रिकमेंडेड ओवर iPhone 13। बट अगर आपका ऑलरेडी बजट 30,000 था, देन आपको क्या 20,000 बढ़ा के iPhone 14 तक जाना चाहिए, नहीं, देन आप तो इधर iPhone 13 तक रुक जाओ या फिर बाकी जो इतने बढ़िया बढ़िया Android फोन्स मैंने मेंशन किए उसमें से कोई चूज कर सकते हो। एंड ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में मैंने आज बात की है, वो सारे प्रोडक्ट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड आपको अभी भी अगर कुछ डाउट है कि भाई मैं OnePlus Nord C4 Lite लू या फिर iQOO Z9S लू, ऐसे क्वेश्चंस है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमारी कम्युनिटी, हम लोग जो आप व्यूअर्स हैं, वो डेफिनेटली लोगों को हेल्प करना आपके थॉट शेयर करके। एंड आई 100% नो दैट देयर आर गोइंग टू बी सम डील्स जो हमने मिस कर दी। अभी ऑलरेडी इतना लंबा वीडियो हो चुका है मैंने इतने फास्ट बोलने के बाद भी, तो आप समझ सकते हो क्या है। सो आई विल एंड दिस वीडियो राइट नाउ, आई होप यू एंजॉयड दिस। सारे लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे, वो लिंक से आप अगर खरीदते हो तो इट विल हेल्प द चैनल एज वेल। एज यू नो, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर लो इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी, एंड दैट्स इट। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।